सो गाइस, फाइनली जो है ना, टाटा कर का भी बिल्ड क्वालिटी टेस्ट हो चुका है। भारत एनकैप में इसको कंप्लीट टेस्ट किया गया है। इस कार को भाई 5 स्टार मिले हैं सेफ्टी के। तो भाई सब तो पहले भी नहीं था हमें, भाई हमें पता है टाटा का प्रोडक्ट है तो क्वालिटी में तो यार ये ए ग्रेड रहती हैं। हालांकि इनके इंजन इतने ज़्यादा रिफाइंड या फिर उतने ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ना हो, बट बिल्ड क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती टाटा भाई। और वो जो है ना चीज़, वो अप्रूव कर दी भाई टाटा वालों ने। इंडियंस का क्या होता है ना भाई, अपना फैमिली में सेफ चाहिए, माइलेज कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन कर लेगी भाई। इंजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन वगैरह साइन कर लेंगे। लेकिन भाई गाड़ी ऐसी होनी चाहिए भाई, एक्सीडेंट हो जाए तो किसी को क्रॉस तक ना आए। तो वही सीन हुआ है। अब देखो भाई, गाड़ी को ना फ्रंट से पूरा टकराया गया है काफ़ी अच्छी स्पीड में। उसके बावजूद भी आप लोग देख सकते हो इम्पैक्ट सारे एयर बैग से यहाँ पे ओपन हो चुके हैं, और जो गाड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ आगे से ही खत्म हुई है। पीछे जितने भी पैसेंजर बैठे हैं सब सेफ हैं A to Z। तो देखो भाई, वैसे तो देखने में आपको ऐसा लगेगा कि यार खत्म तो होगी आगे से, तो कुछ ऐसी कुछ खास बिल्ड क्वालिटी नहीं है। बाकी 5 स्टार कैसे मिल गए? 5 स्टार होते हैं भाई, अंदर वाले पैसेंजर हो ना, उनको कितना हार्म हुआ है उस चीज़ से रेटिंग्स मिलती है। अगर उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा तो गाड़ी को 5 स्टार मिलेंगे, चाहे गाड़ी बाहर से हो जाए भाई, बिल्कुल ख़त्म। इसका जो प्लेटफॉर्म था ना भाई, ऑलरेडी जो है ना भाई, कई गाड़ियों में आपने देखा होगा वही प्लेटफॉर्म जो यहाँ पे बनाया गया था, एटलस आई थिंक नाम है, तो वो काफ़ी ठीक था। जिस हिसाब से भाई इनको 5 स्टार रेटिंग्स मिली है, साइड से भी गाड़ी को मारा गया है। वैसे तो भाई साइड से भी गाड़ी को पिचका दिया गया। अगेन पैसेंजर्स अंदर सेफ थे, ये जो एक बड़ी बात है। अंदर जो है डमीज को बैठाया जाता है, ऐसा नहीं है भाई रियल इंसान को इसके अंदर बिठा दिया जाए या फिर टेस्ट वगैरह कर दे, तो ऐसा नहीं होता भाई। डमीज को अंदर बिठाया जाता है प्रॉपरली। तो इस तरीके से भाई कंप्लीट होकर पिटा जाता है, आगे से, पीछे से, बगल से, अब साइड से मारा। लेकिन भाई पैसेंजर जो है ना भाई बिल्कुल सेफ है, उनको कोई क्रॉस तक नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वो चीज़ मेन देखी जाती है भाई गाड़ी के अंदर। और भाई टाटा की गाड़ी है ना भाई, इसलिए जो है दिन पे दिन सेल्स में इंक्रीज करती जा रही है। जहाँ मारुति की रोड पे गाड़ियाँ दिखती थी ना भाई, अब टाटा की गाड़ियाँ दिखती है। क्यों भाई? क्योंकि सेफ्टी चाहिए लोगों को, मतलब किसी से भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन भाई सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है अब तो। भाई सेफ्टी तो यार चलो मिल गई आपको, दे दी, लेकिन माइलेज नहीं मिल रही। माइलेज क्यों नहीं मिल रही भाई? क्योंकि खरीदा तो विदेश का लो है ना भाई, इतना भारी। अब जो वो रोड पे चलेगी तो माइलेज कैसे निकालेगी भाई, क्योंकि उस पर लोड ज़्यादा है, क्योंकि हैवी बॉडी है। तो एक चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी यार फिर से, तो मारुति से माइलेज ले लो और बिल्ड क्वालिटी ले लो टाटा से। बट भाई ये कंप्लीट टेस्ट हुआ, इसमें कहीं से हमें ये नहीं दिखा भाई गाड़ी में जो पैसेंजर थे उनको कहीं दिक्कत हुई हो, कहीं किसी को लगी हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। जितनी भी डैमेज थी वो सब बिल्कुल सेफ थी, और बिल्कुल सेफ अभी गाड़ी अंदर से। तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस अभी गाड़ी की सेफ्टी रेटिंग्स में कोई भी डाउट नहीं है, 5 स्टार रेटेड ऐसे ही नहीं दे दिया जाता भाई। बैठने का भाई एक सुकून होता है भाई, हाँ भाई सेफ गाड़ी में बैठे हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है बाई चांस तो मेन आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन तब होता है भाई जब हम फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप्स पर जाते हैं, भगवान ना चाहे ऐसा कुछ हो, लेकिन भाई फिर भी कुछ हो जाता है तो हमें गाड़ी हमें सेफली ले जाए, तो ऐसा विश्वास रहता है अभी टाटा के ऊपर। तो एक प्राउड वाली चीज़ होती है, दैट्स वाई टाटा जो है ना भाई काफ़ी अच्छे नंबर्स पे खेल रहा है आज के डेट में सेल्स के मामले में। तो ये था भाई टाटा का रखा एन कैप, जिसमें कि 5 स्टार इसको मिले हैं फ्रंट पैसेंजर्स के लिए भी और रियर पैसेंजर के लिए भी। तो कैसे लगी भाई आपको टाटा कर्व, और टाटा कर्व कौन कौन ले चुका है और कौन लेना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता रहा भाई। बाकी यही था आज की वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।